हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पेपर करने लगे हैं, कल कमेंट्स में हमारे पास एसएससी जेई का आया था कि एसएससी जेई का कोई पेपर कराया जाए। हमने एसएससी जेई का सबसे लेटेस्ट पेपर उठाया है, जो कि मेरा 23 सितंबर को हुआ। अभी 23 सितंबर का पेपर उठा रहे, 3 से लेके 5 बजे। आप में से किसी का ये सेट भी हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने इस बार एसएससी जेई का पेपर दिया है। क्या पता आपका, आप में से किसी का एक सेट भी निकल आए, राइट। तो हम सबसे लेटेस्ट एसएससी जेई का पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि इस बार का पैटर्न जेई का किस तरह का था, क्योंकि अगला एसएससी जेई भी आने वाला है, मार्च एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स की, और मेंस के तो ऑलरेडी हमारे बैचेस चल रहे हैं, दिसंबर में मेंस का पेपर हो जाना है। तो हम देखते हैं इस बार एसएससी जेई का पैटर्न किस तरह का था, राइट। जुड़ चुके हैं सारे हमारे साथ एक बार, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, और स्टूडेंट जिन्होंने आना है क्लास के लिए, 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर में, 2 आवर्स। और क्वेश्चन मेरे से कितने पूछ लेते हैं, 200 क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी जेई का। अगर पैटर्न के बारे में देखें तो 120 मिनट है, और क्वेश्चन कितने आ गए जी, 200। 200 क्वेश्चंस की अगर पैरामीटर देखें तो पहले 50 क्वेश्चंस किसके होते हैं, रीजनिंग। फिर 50 क्वेश्चन किसके होते हैं, जीएस। फिर 100 क्वेश्चन किसके होते हैं, टेक्निकल। आपको ये अटेम्प्ट करना होता है। गुड इवनिंग करण, गुड इवनिंग गुरवेज, गुड इवनिंग हनी, गुड इवनिंग आरती। देखिए क्या होता है, रीजनिंग बहुत अच्छे से स्कोर मारते हैं हम, एज एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर मारते हैं, 50 में से 48 49 भी स्कोर कर जाते हैं, राइट। गुड इवनिंग आशीष। तो 100 टेक्निकल में यहाँ पे, और असली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जीएस में। और अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहती है जीएस, क्योंकि सबसे कम टाइम कंज्यूम कर रही है, मेरा टाइम सबसे ज्यादा कम कंज्यूम करती है, 3 4 5 5 सेकेंड्स में। तो इस वाले पार्ट को भी हमने स्ट्रांग रखना है, प्लस टेक्निकल किस तरह के आ रहे हैं क्वेश्चन आज हम देखेंगे, न्यूमेरिकल कितने आ रहे हैं या थ्योरी कितनी आ रही है। गुड इवनिंग सीमा, गुड इवनिंग, जुड़ चुके हैं। तो करें जी स्टार्ट। तो पैटर्न क्लियर है सबको, आज की क्लास के लिए रेडी है, आंसर्स आपको वैसे ही देने जैसे आप पहले देते हैं, राइट। तो पहले वाले क्वेश्चन को भी हम नहीं करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन है। पहले 50 जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, रीजनिंग का आता है सारा। अगले 51 से देखिए, 51 से क्या स्टार्ट हो गए हमारे, 51 से मेरी जीके स्टार्ट हो जाती है, जीएस स्टार्ट हो जाती है। 51 टू 100 एज कम्पेयर टू वो पैटर्न, वो वैसे करा जाएगा आपका। और जैसे हम 100 क्वेश्चन पे टच करेंगे, हमारा स्टार्ट हो गया टेक्निकल, यहां से हमारा टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन हाईवे में से है, व्हेन बिटुमन इज अलाउड टू पेनिट्रेट टू फुल डेप्थ ऑफ स्टोन लेयर इज कॉल्ड फुल चिपिंग, फुल ग्राउटिंग, हाफ ग्राउटिंग या सेमी ग्राउटिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग अनिल, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट, एबीसीडी में से आपको बताना है, ए फुल चिपिंग, सी फुल ग्राउट, सी हाफ ग्राउट या सेमी ग्राउट। गुड इवनिंग मनोहर। फुल डेप्थ पे पेनिट्रेट हो जाते, नाम से ही बड़ा इजी है क्वेश्चन, अगर कोई फुल डेप्थ में चीज पेनिट्रेट हो जाती है। बताइए, गुड आशीष जी, गुड, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है जी, बिल्कुल फुल ग्राउटिंग, अगर फुली पेनिट्रेट हो रहा है ना जी, तो वो फुल ग्राउटिंग ही होगा। अगर कोई चीज फुली पेनिट्रेट हो रही है ना, तो वो फुल ग्राउटिंग ही होगी। गुड जी, गुड, अनसीन थिंग्स जी, वेरी गुड, सही आंसर दिया आपने। अगला क्वेश्चन जी देखिए, अभी हमने सिर्फ, हमारी आज फोर्थ फिफ्थ क्लास है, और हमारे को हर पेपर में कुछ ना कुछ रेपिटेशन मिल रही है। इसका मतलब क्या, जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे पेपर्स की, उतनी रेपिटेशन मिलेगी। ये एसएससी जेई के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, और हमारे
परसों के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल के पेपर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया बिटवीन इररेगुलर बाउंड्रीज। इररेगुलर बाउंड्रीज के लिए कौन सा एरिया यूज करा जाता है अगर बाउंड्रीज इररेगुलर हो, बताइए। ए बी सी डी कौन सा मेथड यूज करा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू कैलकुलेट द एरिया बिटवीन इररेगुलर बाउंड्रीज। सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट हो गया एक बार, और हम देखते हैं ज्यादातर 20-30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके विपिन जी, वेरी गुड। ठीक, सबका सही होना चाहिए जो क्लासेस लगा रहे हैं शुरू से। वेरी गुड, सिम्पसन रूल बताया था ना, इररेगुलर बाउंड्रीज कौन सा रूल होगा विशाल जी, वेरी गुड, सिम्पसन रूल होएगा। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिम्पसन रूल यूज करा जाता है जहां पे इररेगुलर हो। हाँ जी संजू जी, आप भी आ गए हैं, वेरी गुड। ये क्वेश्चन मैंने काफी पेपर्स में देखा है, पंजाब में थापर ने पेपर लिया था, कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज के बारे में पूछा गया था, काफी पेपर्स में रिपीट होता है। द कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर, रट लीजिए इसको तो, जो क्वेश्चन आने वाला है इसको तो रट लीजिए। वेरी गुड कमलदीप जी, वेरी गुड, सही दे रहे हैं आंसर। द कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरी सी डी रेंजेस फ्रॉम, बड़े बार पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको रट लेना, अगर नहीं याद होगा ना तो अब इसको रट लेना कि यही आंसर टिक करके आना, इतने पेपर्स में आ चुका है ना, बहुत पेपर्स में रिपीट होता है इक्वेशन। तो 0.95 to 0.99 याद रखिए, डी ऑप्शन सही है जी, सबके आंसर सही आए हैं इसमें, गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कमलदीप जी। राइट, द कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरी मीटर 0.95, ये रट लेना है आप लोगों ने। हाँ जी, मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है जी, सही बता रहे हैं। ये बताइए जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएगा। देखिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एस एस सी जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाती है, एस एस सी जेई के पेपर में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से बड़े क्वेश्चन आते हैं, बाकी पेपर्स में नहीं इतने आते जितने एस्टिमेशन कॉस्टिंग एस एस सी जेई में से पूछते हैं इस सब्जेक्ट को। क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिंग टू फेसेस में करनी है, मतलब इनर और आउटर दोनों फेसेस में करनी है, बताइए कितनी क्वांटिटी लग जाएगी, और 30 mm थिक वॉल पे लगा रहे हैं हम इसको। न्यूमेरिकल आ गया, आंसर्स कम दिखते हैं मुझे न्यूमेरिकल में, बट इस न्यूमेरिकल में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आना चाहिए, अगर आपकी यूनिटिंग स्ट्रांग होगी, यूनिट्स में अगर आप स्ट्रांग होंगे तो आपका ये आंसर सही आएगा आएगा। यूनिट्स पे संजू जी, मैंने क्वेश्चन में ध्यान से कहा कि यूनिट्स पे ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या आ रहा है आंसर, न्यूमेरिकल्स में जनरली कमेंट्स नहीं आते आप लोगों के, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ, पहले हम थोड़े इसको हिंट में लेके चलते हैं। प्लास्टरिंग जब भी होगी ना जी, प्लास्टरिंग किस में होती है, स्क्वायर मीटर में, प्लास्टरिंग हमेशा किस में होती है, स्क्वायर मीटर में। तो उसने क्या कह दिया, उसने क्वेश्चन में सिंपल इतना कहा कि भाई मेरी एक ये दीवार है 4 मीटर लंबी है, 3 मीटर हाइट में है, इस पे प्लास्टर लगा दो आप, दोनों तरफ लगाना प्लास्टर, तो जब मैं यहाँ प्लास्टर लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर मीटर, जब दूसरी तरफ भी लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, into 2, 24 स्क्वायर मीटर, तो कितना होएगा इसका आंसर, 24। समझ आया, ये मेरी वॉल थी, उसने क्या कहा दोनों तरफ लगा देना, दोनों फेसेस पे, इस तरफ लगाया 4 by 3 में प्लास्टर लगाने पे कितना लगा, 12, जब दूसरी तरफ लगाओगे तो कितना लगेगा, फिर से 12, तो कितना होगा, 24 स्क्वायर मीटर। तो 24 स्क्वायर मीटर इज द आंसर, सरफेस एरिया निकालते हैं, 4 into 3 into 2 करा, 24 स्क्वायर मीटर। राइट, समझ आया, ठीक है जी। शियर स्ट्रेस इज, बड़ी बार क्वेश्चन आता है जी, बताइए क्या होता है शियर स्ट्रेस, क्या होता है, हमेशा उस पर एक्ट करता है शियर स्ट्रेस, तो बताइए शियर स्ट्रेस क्या होगा। ठीक है जिमनोर जी, ठीक है, अब आपके आंसर।
सोम के बेसिक से क्वेश्चन आया है, बड़ी बार पेपर्स में आ जाता है डायरेक्टली, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें यही दिखता है, शियर स्ट्रेस इज अ, जैसे एक क्वेश्चन आता है स्ट्रेन के यूनिट क्या होते हैं, यूनिटलेस होता है, वैसे शियर स्ट्रेस इज अ। टेंजेंशियल स्ट्रेस हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस इज अ टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओहो ये बड़ी पेपर में आता है जी, इससे एक मेरा फॉर्मूला भी बना हुआ है, इससे एक मेरा फॉर्मूला भी बना हुआ है, बताइए क्या आंसर होगा, बड़े पेपर में आता है। ठीक है जी शिखा जी, गुड, ओमकांत जी, सीमा जी, सही आ रहे हैं आंसर्स आपके, सही हैं। आज हमारे साथ स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा जुड़े हैं, डेली रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा उतने ज्यादा हम लेक्चर्स लेकर आएंगे इसको, उतना आपको कंपटीशन का पता लगेगा। बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आता है जी, बताइए। इसके ऊपर फॉर्मूला भी बना हुआ है, डेल्टा ड्यूटी, अगर किसी को याद होगा मैंने परसों कल के लेक्चर में बताया था एक डेल्टा ड्यूटी के ऊपर, तो डेल्टा ड्यूटी से रिलेटेड है ये, डेल्टा ड्यूटी में भी हम यही हेक्टेयर्स वाली गेम खेलते हैं। देखिए क्या होता था, डेल्टा 8.64 BD, डी क्या होती थी मेरी ड्यूटी, कल क्वेश्चन आया था ड्यूटी पे, डेल्टा बी क्या होता था मेरा बेस पीरियड, और ये 8.64 क्या होता है, कन्वर्जन ही होती थी, 8.64 हेक्टेयर मीटर, एक क्यूबिक डे की क्या होती है, 8.64 हेक्टेयर मीटर, तो सी आएगा जिसको याद कर लीजिएगा, सी होगा इसका आंसर, 1 क्यूबिक मीटर, 8.64 क्यूबिक मीटर, 8.64 राइट डिवाइड बाय 10^4 करा, राइट। ये भी बड़े पेपर में आता है, कई बार ये सर्वे से माना जाता है, कई बार ये क्वेश्चन हाईवे से माना जाता है, कर्व्स में से है क्वेश्चन, बताइए अगर 30 मीटर स्टैंडर्डाइज होती है या 20 मीटर स्टैंडर्डाइज होती है, डिग्री ऑफ कर्व क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्व निकालने के लिए। ऑप्शन दे दें, सी डी बी 1145.92 बाय R और 1145.92 × R, ठीक है जी, 1718.9 R, किसी किसी ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखिएगा 1720 बाय R करके वैल्यू आती है, किसी किसी ऑब्जेक्टिव्स में याद रखिएगा ये 1720 बाय R करके वैल्यू आती है, ठीक है जी, सबके आंसर सही आए हैं इसमें। अगर मुझे बता दो 30 मीटर की जगह भाई मेरा 20 मीटर पूछ लेता हो, अगर 20 मीटर पूछ लेता तो आंसर क्या होता, आर तो रेडियस ऑफ कर्व है, डी डिग्री है, मैथ्स के लॉजिक लगा के भी हम निकाल लेते, नहीं मैथ्स में यूज करते थे हम इसको, ठीक हाँ जी संजू जी, ऑप्शंस में भी है आपके पास यही, हाँ जी हाँ जी, अगर होता तो विपिन जी तो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमें तो सब याद रखने ना, ये क्वेश्चन तो पूछ लिया, साथ साथ हम और एक्स्ट्रा क्या याद कर सकते हैं, बिल्कुल सही है जी, अगर 20 मीटर होता तो 1145 मतलब 1150 भी कर सकते हैं बाय आर होता, तो क्वेश्चन हमारा ये होता 1145.92 बाय R, क्लियर है, अगर 20 मीटर कर्व होता तो ये आंसर होता। ठीक है जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इन गॉज प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क्ड एज, गॉज प्रेशर में एटमोस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, अबव एटमोस्फेरिक, बिलो एटमोस्फेरिक, काफी चीजें लेते हैं इसमें हम, तो अबव एटमोस्फेरिक बिलो एटमोस्फेरिक, 108 का आंसर देना है, FM से बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एटमोस्फेयर रेशियो द स्केल इज मार्क्ड एज 0, तो अब तक अगर आप SSCA का पेपर देख रहे हो तो इतना मुश्किल नहीं आया इस बार का पेपर, इजी है, फटाफट आप आंसर दे सकते हो, 0 होता है, 0 पे मार्क्ड होता है, इतना मुश्किल नहीं आया,
ये क्वेश्चन मैंने आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवाया था फर्स्ट क्लास में। द इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ बीम स्पोटेड इज, आपको बस आंसर बताना है। इस तरह बताया था, एक सिंपली स्पोटेड है, अगर याद हो वो क्लास, तो एल नॉट क्या होता था मेरा, क्लियर स्पैन, और ये होती थी सपोर्ट। इफेक्टिव स्पैन क्या होता था, सेंटर सेंटर ऑफ सपोर्ट्स, या एल नॉट प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों में से जो भी चीज मिनिमम होती थी। तो बताइए इफेक्टिव स्पैन सिंपली स्पोटेड का क्या होगा, इनमें से कौन सा क्लॉज दे रहा है मेरे को, ए बी सी डी। जी क्लियर डिस्टेंस, आशीष जी क्लियर डिस्टेंस क्या होता है, क्लियर स्पैन बताता है मुझे, ये होता है सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। ये बताया ना मैंने आपको, एल इफेक्टिव दैट इज सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा इसका। कोई बात नहीं जी, गलत हो रहा है कोई इशू नहीं, आगे पेपर में गलत नहीं करेंगे। हाँ जी, द डिस्पोजेबल ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन की डिस्पोजेबल किससे करते हैं, ठीक है जी, ठीक है आते जी, सही आंसर, डिस्पोजेबल ऑफ स्क्रीन इज डन बाय एनवायरमेंट से क्वेश्चन है, किससे करते हैं डिस्पोजेबल। जी ये पेपर जी इसी साल का पेपर है, इसी साल का पेपर है ये। संजू जी आपने पूछा कौन से ईयर का पेपर है, ये इसी साल का पेपर है, 23/9/2019 का पेपर है, 3 से 5 बजे को के बीच में जो हुआ था, ठीक है संजू जी, सबसे लेटेस्ट पेपर है। देखिए क्या करना होता है, डिस्पोजेबल जब भी आपको स्क्रीन की करनी है ना, इंसिरेशन से करेंगे, जला देंगे उसको, इंसिरेशन से करेंगे, ठीक है जी, सही आंसर, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन यूजिंग चेंजेस फॉर्मूला डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, वर्ड याद रखना है, मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू सर्कुलर चैनल डी विल बी। तो बताइए मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए क्या होता है, लेटेस्ट आप सोचिए, अगर आप पेपर में होते तो आप कैसे अटेम्प्ट करते इसको, ये लेके चलिए, अगर 23rd वाले पेपर में आप बैठे होते 23rd सितंबर को, तो कैसे इसको अटेम्प्ट करते, ऐसे लेके चलिए पेपर को, बताइए। बड़ी बार क्वेश्चन आता है जी इसका, मैक्सिमम डिस्चार्ज है वर्ड याद रखना, चेंजेस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होता है सर्कुलर चैनल के लिए, ये सबसे एक्सपेक्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर्स में आता है, बिल्कुल जी, 0.95 डी। साथ साथ मुझे बता दीजिए, अगर डिस्चार्ज काट के मैं वेलोसिटी पूछ लेता पेपर में, अगर डिस्चार्ज काट के मैं वेलोसिटी पूछ लेता तो क्या होता, डिस्चार्ज वर्ड हटा के मैं वेलोसिटी पूछ लेता, वेलोसिटी बताओ मुझे कितनी होगी, तो क्या होता, हाँ जी बताइए, सब याद होना चाहिए। अच्छा अनिल जी दिया है पेपर, वेरी गुड, कितने बन रहे हैं आंसर्स उसमें, आंसर की के अकॉर्डिंगली कितने बन रहे हैं आंसर्स, एग्जैक्टली अगर वेलोसिटी दे रखा होगा तो 0.81 डी, ठीक है जी, 0.95 और 0.81 याद रखिएगा, तब 0.81 हो जाएगा, राइट, इजी क्वेश्चन है काफी जी। अगला रेलवे से आया क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ अ रेल इज कॉल्ड, नहीं बता सकते नील जी यहाँ पे मार्क्स क्या हुआ, कोई नहीं होता, जो आप दे दिया उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर नंबर कम भी आए होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा भी आएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क अब हमने डालना है, इस बार मुझे सिलेक्शन चाहिए, जितने भी मेरे साथ अब इस चैट ग्रुप में है सबकी सिलेक्शन चाहिए मुझे, इस बार इस साल के अंदर अंदर हमने सिलेक्ट होना है। सो 12 का बताइए, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट अगर हुए तो क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, वेरी गुड हनी जी, वेरी गुड पल्लवी जी, क्रीप ऑफ रेल, क्रीप कहा जाता है। अब आपने मुझे बताना है क्रीप से ही, सबने सही बताया क्रीप से, अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर ट्रेन का व्हील स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रही है, ट्रेन स्टार्ट हो रही है, क्रीप कौन सी डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड
बैकवर्ड या बोथ? ट्रेन रेस से स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, एचपी जेई में हेल्प करेंगे विपिन जी, आपको पूरी हेल्प करेंगे। एचपी के पेपर्स भी आने वाले में सेशन से मैंने कराने हैं, अभी कल परसों हमने एचपी का ही पेपर करा है, बस आपने सिलेक्शन देनी है हमें। तो बताइए, क्रीप तो पता लग गया लॉन्ग, अगर ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो क्रीप कौन सी डायरेक्शन में होगी? रेल कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? गलत सही से फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही है। गुड विशाल, गुड शिखा, हनी, पल्लवी, कमलदीप, सबके आ रहे हैं आंसर्स। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जब ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो वाई व्हील कैसे मूव करेगा? इस तरह से। तो ये क्या करेगा, ट्रेन की रेल को पीछे जाने को धक्का मारेगा। क्या करेगा, मूव हो रहा है ना जब व्हील यहाँ पे, तो पीछे को खींच रहा है इसको, तो मतलब क्या होएगी, बैकवर्ड। बट अगर ट्रेन ब्रेक मारेगी, ये व्हील क्या होंगे, रुक रहे होंगे, स्टॉप हो रही होगी। स्टॉप होने में क्या होगा, जब व्हील रुकने की कोशिश करेंगे तो क्रीप किस डायरेक्शन में डालेगा वो? फॉरवर्ड। तो जब ट्रेन स्टॉप हो रही होगी, क्रीप क्या होगी, फॉरवर्ड। और जब स्टार्ट हो रही होगी तो टायर किस रेल किस तरफ को जाएगी, बैकवर्ड की तरफ को। क्लियर है कॉन्सेप्ट, पूछ लेते हैं पेपर में, आगे चलते हैं। इंडोर मेथड ऑफ कंपोजिटिंग, इंडोर मेथड ऑफ कंपोजिटिंग टेक्स डैश मंथ टू कंप्लीट द प्रोसेस। एचपी जेई में क्वेश्चन आया था इंडोर मेथड और उसके ऊपर, याद है कॉन्सेप्ट? बताइए, एक इंडोर मेथड होता, एक बेंगलुरु मेथड होता था। तो क्या होगा इसका, इंडोर मेथड? टू मंथ, ओके। बाकी ट्राई कर लो, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पेपर में होते तो क्या तुक्का मारते, जरूरी नहीं कि सारे के सारे सही होंगे पेपर में, कुछ गलत भी हो जाते हैं और कुछ आते हुए भी गलत होते हैं। दुख तो उनपे होता ज्यादा कि ये आता था क्वेश्चन, बाद में आता गलत हो गया। हाँ जी, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं जी इंडोर मेथड को भी। बेसिकली क्या करते हैं हनी जी, कॉम्पोजिशन के काम आता है, मतलब सॉलिड वेस्ट को जब डिकम्पोज करना होता तब मेथड यूज होते हैं ये। एक होता है मेरा इंडोर मेथड और एक होता है मेरा बेंगलुरु मेथड। अगर आपने लास्ट क्लासेस लगाई होंगी तो मैंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा डेवलप क्या है, सबसे ज्यादा डेवलप क्या है, बेंगलुरु है या इंडोर है? तो हमने कहा था बेंगलुरु सबसे ज्यादा डेवलप है, तो सबसे ज्यादा जहां डेवलप है वहां ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी। तो अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी तो वह एनारोबिक है, एनारोबिक मेथड है, याद करने का तरीका। इसमें 5 से 6 महीने लग जाते हैं, 5 to 6 months। अब इंडोर अच्छा शहर है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या हो गया, एरोबिक। और 2 to 3 months, 2 to 3 months लग जाते हैं इसके डिकम्पोजिशन को, तो 3 months आएगा आंसर इसका। हाँ जी करण जी, आपने कहा क्वेश्चन 112 को रिपीट करा दीजिए। द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ अ रेल इज कॉल्ड, मतलब क्या होता है, जो ट्रेन आ रही है और यहां से जो मेरी रेल है अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रीप, इसको बोला जाता है क्रीप। आरसीसी में क्रीप को क्या कहते हैं, अगर एक जगह पे वेट पड़ा रहे हमेशा तो आरसीसी में उसमें क्या कहते थे, उसको भी क्या कहते हैं, क्रीप कहते थे। तो क्या होता है, जैसे घरों में फ्रिज होते हैं, गोदरेज की अलमारियां होती हैं पुरानी, तो क्या होता है एक जगह पड़ी रहती है इतने साल तक, कई बार कहते हैं घर वालों को बेच दो, नहीं बेचने देते, कह रहे नहीं जी सब बिकवा दोगे आप लोग,
एक तो जॉब नहीं लग रही, ऊपर से बिकवा दोगे सब कुछ, तो उस केस में क्या होता है, काफी सालों तक वहां पड़े रहने के कारण कूलर, जो कूलर की प्लेसमेंट होती है उसके भी जो नीचे आप कंसंट्रेटेड लोड लगा रहे हो, तो कितने सालों तक वहीं रहता है, तो उससे क्या होता है, वहां पे अगर आप हटा के देखोगे तो क्रीप का इफेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ आरसीसी। और रेल्स में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है। तो मैंने यही कहा था, जब ट्रेन स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने लगी है, तो क्रीप मतलब रेल को पीछे धक्का मारेगी, बैकवर्ड। और अगर आपकी रेल रुकने लगी है यहाँ पे, आ रही है स्पीड में, रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो जब स्केट बजेगी तो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्रीप। राइट करण जी, हो गया क्लियर इस कॉन्सेप्ट को? चले आगे क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर क्या था मेरा, 3 मंथ्स इंडोर मेथड का। उसके बाद ये क्वेश्चन अगला रिपीट हो रहा है। देखिए जी, हमेशा एक ना एक कर्व के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ, बताइए। किस चीज को रोकने के लिए आप सुपर एलिवेशन वगैरह भी करते हो, किस चीज को रोकने के लिए, बताइए। इजी है आज का पेपर, जिन्होंने सेट दिया होगा इजी था काफी पेपर। हाँ जी, ए बी सी डी, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ। हिंट भी दिया आपको, तो सुपर एलिवेशन किसको काउंटरैक्ट करती है, सेंट्रीफ्यूगल को, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है। वेरी गुड शिखा, वेरी गुड अनिल, आशीष, कमलदीप, पल्लवी, आरती, करण, अनसी सिंह, हनी ठाकुर, वेरी गुड, सही आंसर सेंट्रीफ्यूगल। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, किसने दे दिया था यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम? भाई इस कंसेप्ट के ऊपर 4-5 दिन से हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और चारों पांचों दिनों से इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था, बस आप ये बताइए। अपरेटस भी था उसके ऊपर, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, अपरेटस भी था उसके ऊपर, लिमिट्स वगैरह निकालते थे हम। हाँ जी, मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। देखिए, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ओरिजिनली डेवलप, सब कुछ तरजागी ने नहीं कर दिया, तरजागी आंसर आ रहे हैं, सब कुछ तरजागी ने नहीं करा, खुद भी कुछ बाकी साइंटिस्ट ने भी काम करा है, तो ये कैसा ग्रांडे ने दिया था, कैसा ग्रांडे ने दिया था ये यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। पूछ लेते हैं, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन थे, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो किसके कारण हमने पढ़नी पड़ रही है हमें ये सारी सॉइल, अगर ना होते तो पंगा ही ना होता, तो बताइए कौन है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। इसमें मुझे न्यूटन आंसर नहीं चाहिए, कहीं न्यूटन दे दो कि सारी थ्योरी न्यूटन ने डाली थी, तो ये भी न्यूटन ने कर दिया होगा, तो बताइए हु इज नोन एज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। हाँ जी विपिन जी, गुड गुड, ठीक है जी, तेरजागी, तेरजागी ने दी थी, जितनी भी ज्यादा थ्योरियां दी हैं तेरजागी ने दी हैं, तेरजागी इज नोन एज काल तेरजागी, पूरा नाम KRL, काल तेरजागी, ठीक है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स काल तेरजागी, राइट, क्लियर है, बिल्कुल सही है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम कवर ऑफ आरसीसी कॉलम शुड बी, मिनिमम कवर ऑफ आरसीसी कॉलम शुड बी, कितना कवर डालते हैं मिनिमम कॉलम्स में, ठीक बताइए, बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। 40 mm, बिल्कुल ठीक है जी, 40 mm का कवर डालते हैं। और कई बार राइम में क्वेश्चन आता है, कहते हैं जी बीम, स्लैब, कॉलम, अच्छा होता है स्लैब बीम कॉलम की राइम आती है, स्लैब बीम कॉलम फुटिंग, कितने कवर्स होते हैं, कई बार ऐसे पूछा जाता है राइम में क्वेश्चन आता है, तो बताइए राइम में क्या होगा स्लैब बीम कॉलम फुटिंग का। सही है जी, 40 mm, बिल्कुल सही है, स्लैब बीम कॉलम फुटिंग की राइम आती है,
इस तरह की ऑप्शन होती है 25, 35, 45, 55, 15, 25, 40, 50, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है जी विपिन जी, बस राइम में क्वेश्चन आता है, राइम में याद रखना। क्या होता था? 15, 25, 40, 50 मिनिमम कवर, ये बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आता है। बट एग्जैक्टली ये था राइम का क्वेश्चन, राइम का बता रहा हूँ, मतलब चारों चीजें पूछ लेते हैं तो एक ही ऑप्शन बचती है। अदरवाइज स्लैब का कितना होता है मिनिमम कवर? IS-456 ने क्या कर दिया? 20 mm कर दिया। राइम का याद है जी, क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, है राइम पूछी गई थी। तो 15, 25, 40, 50 अभी भी पेपर्स में उठ के आ जाती है डायरेक्टली, तो आपको यही देनी पड़ती है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती पेपर में कि आप उसको चेंज कर पाए, तो इसलिए यही चीज रखेंगे हम, मिनिमम कवर फॉर RCC। ऑफसेट आर ऑफ टू टाइप्स, ऑफसेट्स, ठीक है जी हनी जी, गुड है। ऑफसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से टाइप के ऑफसेट्स होते हैं ये बताना है आपको। जनरली ऑफसेट्स आर टेकन एट विच एंगल, किस एंगल पे लेते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफसेट्स आर ऑफ टू टाइप, बताइए। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। विशाल जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेसिक्स पे, परपेंडिकुलर एंड ओब्लीक, अगर गलत हो रहा है कोई बात नहीं, बट आगे ही नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन पे चले, ओब्लीक एंड परपेंडिकुलर, गुड। अगला इरिगेशन से क्वेश्चन है, एन ओवरफ्लो डैम इज ऑल्सो नोन एज, इजी क्वेश्चन है बहुत मुनीष जी, वेरी गुड, सही है आंसर आपका। एन ओवरफ्लो डैम इज ऑल्सो नोन एज रिजर्वायर, ग्रेविटी डैम, स्पिलवे या रॉक फिल डैम? बताइए क्या होगा। एन ओवरफ्लो डैम इज ऑल्सो नोन एज रिजर्वायर, ग्रेविटी, स्पिलवे, रॉक फिल डैम। जो ओवरफ्लो कर जाए डैम उसको क्या कहेंगे? स्पिलवे। ठीक है जी, ओवरफ्लो कर जाए क्या कहेंगे? स्पिलवे। अगला क्वेश्चन मेरे को सारे क्लास से चाहिए, अगला क्वेश्चन का आंसर मेरे को सारी क्लास से चाहिए, और सबसे जल्दी देखते हैं कौन देता है, टेस्ट सीरीज दे दें जिसने सबसे जल्दी आंसर दिया। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, जिसका सबसे पहले कमेंट आया उसको एक टेस्ट सीरीज है हमारे एंड से, जोन सी भी स्टेट की वो टेस्ट सीरीज चाहेंगे। और बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं मुश्किल पूछ ही नहीं रहा आपसे, बट मेरे को जल्दी आंसर चाहिए, तो रेडी रहिएगा, जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको उसका आंसर देना है, जिसने आंसर दिया उसको एक टेस्ट सीरीज हमारे एंड से मिली, 119th क्वेश्चन का। देखिए जी बहुत इजी क्वेश्चन है, 119th, सॉरी जी आंसर दिख गया इसका, इस क्वेश्चन को अब हम पूछ नहीं सकते, आगे आने वाले क्वेश्चन को पूछेंगे। द कैल्साइन प्रोडक्ट इन अ सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज, स्क्रॉल करते हुए मेरे से आंसर पे टिक हो गया, तो अगले आने वाला क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का पूछेंगे, टेस्ट सीरीज के लिए अभी इनवैलिड कर रहे हैं, आपको आंसर देना है इसका। द कैल्साइन प्रोडक्ट इन अ सीमेंट प्रोडक्ट इज नोन एज, क्या कहा जाता है इसको बताइए। द कैल्साइन प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज, जी देखिए विपिन जी, राहुल जी, पल्लवी जी, हनी जी, आशीष जी, शिखा जी, अगर जिप्सम आ गया तो ये नहीं कि जिप्सम ही आंसर होगा, कुछ और ऑप्शन को भी देख लीजिए, ऐसा नहीं कि अगर मैंने जिप्सम में आपको इतना रटा दिया कि बस जिप्सम देखे तो हमने क्वेश्चन ही नहीं बनना, आप लोग तो वैसे चले गए टेस्ट सीरीज से, और टेस्ट सीरीज वैसे ही हमने इसमें हटा दी। विपिन जी सबसे जल्दी आंसर सही देना था, गलत देने पे टेस्ट सीरीज नहीं है। आंसर भी सही देना था तो टेस्ट सीरीज थी। ठीक है, आपने कहा सबसे पहले मैंने आंसर दिया तो आप ही को, देखिए कैल्साइन प्रोडक्ट पूछा गया, कोई रिटार्डिंग प्रोडक्ट नहीं पूछा हुआ। ऑप्शन जी यहाँ पे भी हैं दो, पूरी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ये दो ऑप्शंस दे रखी थी यहाँ पे। ठीक
ठीक है जी, आंसर होता है क्लिंकर। कोई बात नहीं, गलत सही होते रहेंगे। यहाँ पे कौन सा कोई नेगेटिव मार्किंग, अगर गलत भी हो गया आंसर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पेपर में गलत नहीं करके आएंगे, अभी इसको याद कर लेंगे। क्लिंकर, सी फॉर कैल्शाइन, सी फॉर क्लिंकर, याद रखिएगा। अगर कैल्शाइन के वर्ड में आ जाए तो क्लिंकर आंसर होगा, कैल्शाइन के वर्ड में आ जाए तो क्लिंकर आंसर होगा, राइट? क्लिंकर। बॉन्ड स्ट्रेस बताइए इसका कितना होता है। द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बड़े पेपर्स में से ये आता है क्वेश्चन उठ के, RCC बड़े पेपर्स में आता है। M20 की बॉन्ड स्ट्रेस बता दीजिए। इसको कंसेप्ट अगर मैं देखूं, डेवलपमेंट लेंथ से निकालते थे, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती थी, 0.87 FY/4 tau BD। टाउ बी डी मेरा बॉन्ड स्ट्रेस था यहाँ पे M20 का, उसी के नीचे एक टेबल दे रखा था, स्टार्टिंग ऑफ IS 456, टेंशन में वैल्यू पूछते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या किया, उसने कोई टेंशन कंप्रेशन नहीं दिया, इसने यहाँ पे मेरे से टेंशन या कंप्रेशन नहीं दे रखा, तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको क्या लेके चलूंगा कि भाई मेरे से ये टेंशन में पूछ रहा है 1.2, मैं बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलूंगा कि ये मेरे से टेंशन में पूछ रहा है। अगर यही कंप्रेशन में होता है तो कोड क्या कहता है, कितने परसेंट वैल्यू को बढ़ाओ, बताइए। अगर यही वैल्यू कंप्रेशन में पूछता है तो क्या पूछता है, और मैं इसको बाय डिफॉल्ट मान रहा हूं कि ये मेरा माइल्ड स्टील था, बाय डिफॉल्ट मान रहा हूं मैं इसको, ये माइल्ड स्टील की वैल्यू पूछी गई थी। तो कंप्रेशन में अगर होता तो कितनी वैल्यू बढ़ जाती, कितने परसेंट वैल्यू बढ़ाते बताइए फटाफट। अगर कंप्रेशन में होता तो कितने परसेंट वैल्यू बढ़ती, संजय जी 25, 25 का ही क्लॉज लग रहा है, याद रखिए। क्या होता था कंप्रेशन में, कितने परसेंट बढ़ती थी, एक दूसरे के कमेंट्स देके कभी आंसर मत करिएगा, कई बार एक ने 25 दिया था, सारे 20, वेरी गुड आरती जी, 60% इंक्रीज करते थे कंप्रेशन के केस में, कितने परसेंट इंक्रीज करते हैं, 60% इंक्रीज करते हैं, याद रखिएगा। बट जो आप क्लॉज बता रहे हो वो HYSD का केस था, अगर HYSD होता है तो कितने परसेंट इंक्रीज होता है, 25%, अगर HYSD होता है तो कितने परसेंट इंक्रीज होता है, तो 25। कमलदीप जी 60 नहीं होता HYSD के केस में, 25 होता है। आशी जी 60%, D फॉर्म बताइए बाकी। हाँ जी, बाकी बाकी होगा आंसर, सॉरी गलत हो जाएगा, सही कह रहे हैं आप, उल्टा हो जाएगा। कंप्रेशन के केस में सही कह रहे हैं, HYSD के केस में 60% इंक्रीज होता था और कंप्रेशन के केस में 25%, सॉरी उल्टा हो गया कॉन्सेप्ट, सही कह रहे हैं, आपके आंसर सही है। ठीक है जी, कमलदीप जी, आशीष जी, आरती जी, गलत हो गया हमारा आंसर, आशीष जी, संजू, ठीक है सही बता रहे हैं, HYSD के केस में 60% इंक्रीज होता है कंप्रेशन के केस में, क्योंकि पहला क्लॉज वो देता है IS 456 वाला, 25% वाला, और HYSD के केस में 60%। टेंशन के केस में जी 1.2 ही रहती है वैल्यू, टेंशन के केस में 1.2 ही रहती है कमलदीप जी, सॉरी ये मेरे पार्ट पे गलती थी, टेंशन के इसमें 1.2 रहती है, इस कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है। इसकी वैल्यू 25% बढ़ा देंगे कंप्रेशन के केस में, और सेकंड HYSD के केस में कितनी बढ़ा देंगे, 60% बढ़ा देंगे, क्लियर है? कहीं पे भी आपको लेटर ऑन भी लगता है कि कहीं से मेरे वाले पार्ट पे मिस्टेक हो गई तो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं, हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे, गलती किसी से भी हो सकती है, और मेरे वाले पार्ट से तो ज्यादा हो सकती है, मैं थोड़ा ज्यादा नालायक हूँ, आप अभी फिर होशियार हैं, तो ध्यान रखिए अगर कभी भी कहीं पे भी होता है आप चैलेंज कर सकते हैं, हम उसको दोबारा चेक करके बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, देखिए, डिस्चार्ज थ्रू द मेन इज डैश बाय कनेक्टिंग पाइप इन पैरलर, पैरलर की पाइप और डिस्चार्ज में पूछा गया, मेन की पाइप में कितना वो आता है, बताइए जी आंसर इसका, इजी क्वेश्चन है बहुत। पैरलर में अगर कर देंगे पाइप में तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, सेम होगा, रेगुलेट करेगा,
ठीक है जी, गुड विशाल जी, इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, डिस्चार्ज थ्रू द मेन इज इंक्रीज बाय कनेक्टिंग पाइप्स इन पैरेलल, इंक्रीज, ठीक है जी, इंक्रीज हो जाता है। अब बताइए, फॉर अ 30 डिग्री क्रैंक्ड और बेंट अप बार द इंक्लाइन लेंथ ऑफ क्रैंक शुड बी, इंक्लाइन लेंथ किसके बराबर होती है इन टर्म्स ऑफ डाया और डेप्थ, इज इक्वल टू क्या होती है। देखिए अगर 30 डिग्री क्वेश्चन पूछा जाए तो 2D के बराबर होता है, अगर 30 डिग्री क्रैंड और बेंड अप दे रखा हो तो ट्वाइस हो जाता है उस केस में 2D। संजू जी पीपीएससी एसडीओ का पेपर प्रोवाइड करा, पीपीएससी का पेपर भी आने वाले नेक्स्ट वीक में पीपीएससी का सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। पीपीएससी का लेटेस्ट पेपर हुआ था लेक्चरर के लिए और एक इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए, दो पेपर लिए हैं पीपीएससी ने, एक लेक्चरर के लिए और एक उसके लिए लिया गया पेपर, पीपीएससी के जितने पॉलिटेक्निक्स के लेक्चरर थे उसके लिए लिया, दूसरा इरिगेशन डिपार्टमेंट के एसडीओ के, दो पेपर हुए हैं लेटेस्ट इन सालों में, वो अगले बार उसको पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट 2D, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ अ स्पैन ऑफ एल सब्जेक्टेड टू अ कंसेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम फिक्स्ड एंड, द डिफ्लेक्शन अंडर द पॉइंट विल बी, कितनी होगी डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पूछी गई है आपसे कितनी होगी, बड़ी बार डिफ्लेक्शन के तो क्वेश्चन जी अब बहुत बार आ चुके हैं। हाँ जी क्या होगा आंसर, जी देखिए W I है इसमें, B ऑप्शन क्या दे रखी है, W I है, एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए, W A क्यूब अपॉन 3 EI, ये है A ऑप्शन, B ऑप्शन है W I क्यूब अपॉन 3 EI, तो आपने बताना क्या होगा, क्या आंसर होगा। ए बी सी डी अब बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करा है मैंने, वैल्यूज गलत दे रखी थी कुछ, सिंपल पूछ रहा है वो, एक कैंटिलीवर है, कह रहा है यहाँ पे एक डब्ल्यू है और ये स्पैन क्या है, ए है मेरा, तो क्या होती है रिफ्लेक्शन, डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 3 EI, कल तक के पेपर में कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहे थे, कॉन्सेंट्रेटेड लोड के ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम थे, इसलिए आंसर ये आ रहा था, सिंपल यही पूछ रहा है जी, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड का पहले आया था, पहले सिंपली सपोर्टेड, इस बार कैंटिलीवर का केस पूछ ले, ए ही होगा, पी एल क्यूब अपॉन 3 EI, जनरली हम ये याद रखते हैं पेपर्स में, पी एल क्यूब अपॉन 3 EI, राइट, सही है जी। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यू एल क्यूब स्लोप क्या होती है, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2 EI, एरर ड्यू टू द अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज टू बी करेक्टेड यूजिंग, क्या फॉर्मूला लगता है, बड़ी बार पेपर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, पूछा जाता है डी की वैल्यू किस में होती है, भाई डी की वैल्यू किलोमीटर में होती है, यहाँ पे किलोमीटर में पुट करते हैं डी की वैल्यू डिस्टेंस की, और आपका कर्वेचर इफेक्ट पूछा जाता है, हाँ जी सी बी, ऐसी ऑप्शन शिखा जी नहीं देने की, आपको सी भी लग रहा है और बी भी लग रहा है रिफ्रैक्शन की, तो सही बता रहे हैं आप अपने एंड पे, बट आपसे कंबाइंड करेक्शन पूछी गई है, तो कर्वेचर की कंबाइंड क्या होती है,
0.0673 d² 0.0673 d², वे डी इज इन किलोमीटर। बता सकते हो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? करेक्शन, कई बार पॉजिटिव नेगेटिव करके आ जाता है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है करेक्शन, जल्दी बताइए, पॉजिटिव और नेगेटिव? कमल जी कोई बात नहीं, गलत हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे गलत हो रहा है, अभी भी बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क कहाँ पड़ेगा, पेपर में गलत हो गया अगर, तो अभी ये भी गलत हो रहा है, याद कर लीजिए, कोई नहीं। दैट इज पॉजिटिव, ओके। बाकी होगा आंसर बताइए, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? नेगेटिव, ओके। ठाकुर जी, विपिन जी, विशाल जी नेगेटिव, मुनीश जी पॉजिटिव, मिक्स आ रहे हैं आंसर्स, बिल्कुल पॉजिटिव, पॉजिटिव की अब ज्यादा बढ़ रही है, मतलब बिल्कुल 50-50% अगर पेपर में आएगा तो गलत हो सकता है। ओमकांत जी नेगेटिव, बाकी क्लास क्या कर रही है, बाकी क्लास के भी आंसर चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव में। आशीष जी नेगेटिव, ओके। देखिए क्या होता है, नेगेटिव होती है वैल्यू -0.0673 d², नेगेटिव, याद रखिएगा आंसर होता है नेगेटिव। नेक्स्ट, द लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन हाईवे फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, कॉफिशियंट, लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशियंट पूछा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लिया जाता है हाईवे में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में? द लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन हाईवे फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन ज्योमेट्रिकल डिजाइन। अंतिम थिंग गलत हो गया जी, कोई बात नहीं, देख लीजिए, अब तो मैंने बता दिया आंसर, लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशियंट, ठीक है जी, सबका सही है, 0.35 to 0.4। अगर लॉन्गिट्यूडनल वर्ड ना होता तो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 0.515 to 0.2, ठीक है जी, अगर लॉन्गिट्यूडनल वर्ड ना होता तो कॉफिशियंट फ्रिक्शन कितना लेते हैं, 0.15 to 0.2, अदरवाइज लॉन्गिट्यूडनल वर्ड के कारण आंसर क्या हो गया, 0.35 to 0.4। नेक्स्ट, सरदा टाइप फॉल वॉश डिजाइन बड़ी बार पेपर में आता है, बताइए सरदा टाइप फॉल क्या करते हैं, इसमें मैक्सिमाइज करते हैं मिनिमाइज करते हैं डेप्थ ऑफ कटिंग को, ठीक है जी, शिखा जी ठीक है, आशीष जी, हनी जी वेरी गुड, संजू जी सही है, बताया आपने आंसर। अब सरदा बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन पूछते हैं जी, बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन है यही पूछते हैं। वर्टिकल फॉल होता है एक, सरदा टाइप फॉल एक सिंपल वर्टिकल फॉल होता है, मिनिमाइज करते हैं जी डेप्थ ऑफ कटिंग, याद रखिएगा, अगर नहीं याद तो मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज द डेप्थ ऑफ कटिंग, इसमें क्या करते हैं, हमेशा मिनिमाइज करते हैं डेप्थ ऑफ कटिंग को, डी आएगा जी मुनीश जी, मिनिमाइज आएगा इसका आंसर। स्ट्रीट इनलेट्स फॉर ड्रेनिंग रेन वाटर आर लोकेटेड अलोंग द रोड साइड ऑफ स्टेट रोड एट एन इंटरवल ऑफ, बताइए जी, स्ट्रीट इनलेट्स फॉर ड्रेनिंग रेन, रेन वाटर के इनलेट्स के लिए कितने इंटरवल पे डाली जाती है रोड साइड के, ए बी सी डी, 20 to 30, 30 to 60, 10 to 20, 5 to 10, स्ट्रीट इनलेट्स फॉर ड्रेनिंग रेन वाटर आर लोकेटेड लॉन्ग द रोड साइड ऑन स्ट्रेट रोड एट एन इंटरवल ऑफ, कमलदीप जी का आंसर आ गया, बाकी बताइए। स्ट्रीट इनलेट्स फॉर ड्रेनिंग रेन वाटर आर लोकेटेड लॉन्ग द रोड साइड, ठीक है गुड मुनीश, गुड विशाल, 30 to 60 meter, 30 to 60 meter होता है। मुझे बताइए ड्रेनिंग रेन वाटर के लिए रोड में क्या डाला जाता है,
बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ड्रेनिंग रेन वाटर के लिए मनोहर जी गुड, रोड में क्या डाला जाता है? गुड ओमकार, गुड हनी। अब बताइए रोड में क्या डालते थे हम? बिल्कुल जी बिल्कुल, कैम्बर। कैम्बर प्रोवाइड करा जाता है। कैम्बर की वैल्यू सारी याद रखनी है, हमने कल के लेक्चर में करी थी ना, सीमेंट कंक्रीट में लाइट रेनफॉल के लिए, हैवी रेनफॉल के लिए 1.7, 2%, ये सारी वैल्यूज याद करी थी हमने, तो वो सारी याद रखनी है। 1 in 50, 1 in 60, हैवी लाइट ये सब के लिए, ठीक है। 1 in 7, 1 in 2%, वो सारी वैल्यूज के लिए, तो 30 to 60 के लिए होता है कैम्बर, राइट। अच्छा जी बताइए कैपिटलाइज वैल्यू, बताइए प्रॉपर्टी की क्या होगी कैपिटलाइज वैल्यू? निकालिए जी, न्यूमेरिकल आ गया कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का, तो बताइए क्या होगा। वीडियो रुक गई, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए अब चल पड़ी है। आ गई है जी, अब चल रही है, बताइए। बताइए बताइए कितना आ रहा है? हाँ जी देखिए क्या करना है इसमें, कभी भी कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी हो एनुअल, जितना भी प्रॉपर्टी सारा फेच कर रही है रेंट, ऑल आउट गोइंग्स मतलब 9,000 ऑल आउट गोइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.08। तो 9,000 डिवाइड बाय 0.08 करोगे कितना आ गया? 1,12,500। ठीक है कमल दीजिए, एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, कैपिटलाइज वैल्यू कभी भी निकालनी होगी, जो भी प्रॉपर्टी आउट गोइंग्स मतलब जितनी भी उसकी रिपेयर वगैरह के बाद जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट रह जाती है, प्रॉपर्टी डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उससे क्या आएगा? 1,12,500। ठीक है जी, इससे 1,12,500 आएगा, फॉर्मूला बताया मैंने आपको। ठीक है जी बिल्कुल सही है, अनिल कुमार जी सही बता रहे हैं आंसर। बड़ी बार क्वेश्चन आता है जी, एसआई यूनिट ऑफ काइनेमैटिक विस्कोसिटी के एसआई यूनिट्स बताइए क्या होते हैं, बताइए एसआई यूनिट्स ऑफ काइनेमैटिक विस्कोसिटी। देखिए काइनेमैटिक विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है, कहीं पेपर में काइनेमैटिक विस्कोसिटी के एसआई यूनिट्स पूछ लेते हैं, कहीं पेपर में डायनामिक विस्कोसिटी के एसआई यूनिट्स पूछ लेते हैं, तो बताइए ए बी सी डी। हाँ जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, अगर वर्ड आ जाता है डायनामिक, अगर वर्ड आ जाता है डायनामिक फिर क्या होता? ठीक है जी आरती जी, ठीक है ओमकांत जी, राहुल जी, ठाकुर जी सही है आंसर, अगर डायनामिक आया तो डायनेमिक के भी याद होनी चाहिए। डायनेमिक के न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, अगर वर्ड डायनेमिक आ जाता। क्लियर है जी। विच टाइप ऑफ पार्टिकल हैज द लीस्ट सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी? सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी के लिए लीस्ट क्या होगा?
बताइए कौन सी सबसे ज्यादा फाइन होगी जिसकी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होगी लीस्ट। हाँ जी बताइए बेस्ट एयर पार्टिकल हैज़ द लीस्ट सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। ठीक है जी, फाइन क्ले एंड सिल्ट, फाइन क्ले एंड सबसे ज्यादा सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कम होगी इसकी, सबसे फाइन है ये। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सो दैट कंक्रीट डेवलप हार्डन प्रॉपर्टीज ओवर टाइम। तो बताइए किससे हार्डन प्रॉपर्टी अचीव होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सो दैट कंक्रीट डेवलप्स हार्डन प्रॉपर्टी ओवर द टाइम। मॉइस्चर किससे मेंटेन रखते हैं जी। बिल्कुल सही है, सारी क्लास का आंसर सही है, वेरी गुड। क्योरिंग, क्योरिंग किस लिए करी जाती है, ताकि पानी, हम कहते हैं पानी दे रहे हैं। ठीक है जी, एक आंसर रखना है, ए बी नहीं। ओके ठीक है, तो क्या रखना है आपको, क्योरिंग। जब बार बार पानी दे रहे हैं तो क्या कहते हैं उसको, क्योरिंग। अच्छा जी, कोड बता दीजिए कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन का, कोड बता दीजिए कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन का। संजू जी, जो SSCJE का पेपर होता है वो क्या होता है, पर डे के हिसाब से नॉर्मलाइजिंग करते हैं, उसके बाद से देखते हैं ओवरऑल क्या जा रही है, उससे मार्क्स ऊपर नीचे जाते हैं। अभी आप कर रहे हो तो आपको इजी लग रहा है, जब ये पेपर में बैठते हैं तो 120 मिनट ही रह जाते हैं मेरे पास, उसमें GS भी होती है और रीजनिंग भी होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रीजनिंग स्टार्ट कर देते हैं, रीजनिंग में 1 घंटा कंज्यूम कर देते हैं, 50 में से 49 तो स्कोर करते हैं, बट ओवरऑल पेपर रह जाता है। IAS 456:2000 कमलदीप जी ऑप्शन में नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाती है। बेसिक क्या है, पेपर इतने टफ नहीं आते आजकल के, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रहती है। आगे कुछ क्लासेस में स्ट्रेटेजी भी बताएंगे पेपर में टाइम कैसे सेव करें। IAS कोड्स प्रोवाइड्स रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर कौन, 10262, 10262 कोड होता है। IAS 800 किसका कोड है, IAS 800 मेरा स्टील का कोड है। कोड्स एक बार पढ़ लें फटाफट से सारे, जो जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो बताइए IAS 456 RCC का कोड, IAS 875 Part 1 क्या बता रहा है मुझे, आप लोगों ने बताने हैं आंसर। 875 Part 2 कराया हुआ मैंने क्लास। Part 3 IAS 875 Part 4, IAS 875 Part 5 स्ट्रेटेजीज भी बताएंगे आपको आने वाले पेपर्स में, आने वाली क्लास में स्ट्रेटेजीज भी बताएंगे, हम डिस्कस करते रहते हैं, यूट्यूब पे भी डालेंगे स्ट्रेटेजी क्या होगी PSPCL की। तो बताइए Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 IAS 1893:2002 कौन से कोड है ये सारे, आपको एक क्लास में कराया, जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस लगाई हैं उनको सारे याद कराए थे, उन्हीं से पूछा जा रहा है। अब आपको टिप्स पे होने चाहिए आंसर्स। तो बताइए हाँ जी, आए नहीं अभी तक पूरी क्लास के आंसर, आपको सारे कोड्स याद करवाए थे मैंने। आने चाहिए आपको, ये टिप्स पे होने चाहिए, तभी क्लासेस का फायदा होगा ये, नहीं तो अगला पढ़ी जाएंगे पिछला भूल जाएंगे। हाँ जी, तो Part 1 डेड लोड,
पार्ट टू लाइव लोड, पार्ट थ्री विंड लोड, पार्ट फोर स्नो लोड, पार्ट फाइव लोडल कॉम्बिनेशंस, लोडल कॉम्बिनेशंस, अर्थक्वेक सिस्मिक लोड, अर्थक्वेक का कोड है। चलिए, रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड लोड टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। स्ट्रेस कितना इंड्यूस होता है, कितने टाइम्स ज्यादा इंड्यूस होता है, बेसिकली ये पूछा। टू टाइम्स ज्यादा इंड्यूस होता है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड लोड टू द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, राइट। अगर इसकी रेशियो निकालेंगे तो कितनी आएगी, ट्वाइस आएगी, ट्वाइस फास्ट होता है उससे। ठीक है जी। 830 ग्रेड बिटुमन ए स्टैंड्स फॉर, ठीक है आशीष जी आंसर आपका। इन 830 ग्रेड बिटुमन ए स्टैंड्स फॉर क्या बोला जाता है इसे। ठीक है जी शिखा जी, सही आंसर आपका। बेसिक क्वेश्चन है, आप टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं चाहिए हमें, फटाफट बताने आंसर, बताइए। 830 ग्रेड बिटुमन ए स्टैंड्स फॉर ए बी सी डी। हाँ जी असम, ए स्टैंड फॉर असम। ठीक है जी, वेरी गुड। मुझे अब साथ साथ बता दीजिए, हार्डेस्ट ग्रेड कौन सा होता है, हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमन ये भी बताई दीजिए। अब जब इतना बता रहे हो तो छोटी सी चीज और पूछ लेते हैं आपसे, हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमन क्या होता है। व्हाट इज द हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमन। श्योर बताइए अनिल जी, क्या लगता है हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमन। थर्टी बाय एट्टी, 30/40, दो आंसर आ चुके हैं बाकी, हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमन। साथ साथ हमने कुछ नई चीजें भी याद रखनी है ना, तो बताइए। जी देखिए, 30/40 हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमन, 3 to 4 सेंटीमीटर की पेनिट्रेशन करने देता है ये, 3 to 4 mm की, सॉरी। अगला बताइए, आरसीसी क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ बार हैविंग हुक एट बोथ एंड्स। हाँ जी हाँ जी, श्योर है जी अनिल जी, श्योर है, आपका आंसर सही था, आप थिंक की जगह श्योर कर लीजिए। द टोटल लेंथ ऑफ बार हैविंग हुक एट द एंड्स, क्या कहेंगे उसको, बताइए। हाँ जी बताइए। L प्लस 18D, टोटल लेंथ ऑफ बार हैविंग हुक एट बोथ एंड्स, अगर हुक दोनों एंड्स पे लगा दोगे तो L प्लस 18D हो जाता है। जब दोनों एंड्स पे, एक एंड पे होता है तब L प्लस 9D होता था जी। स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है, इस प्रोपोर्शनल टू, कौन सी स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, इस प्रोपोर्शनल टू बताइए। ठीक है क्वेश्चन, क्या हुआ आंसर्स क्यों नहीं निकल रहे हम,
मीन स्ट्रेंथ का एफ सी के प्लस 1.64 सिग्मा होता था फॉर्मूला। अच्छा बताइए, मीन स्ट्रेंथ के बराबर होता है एफ सी के प्लस 1.64 सी सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एफ एम क्या होता है मेरा? मीन स्ट्रेंथ होता है इसमें। एफ एम क्या होता है मेरा? मीन स्ट्रेंथ। ठीक है जी। फॉर बिग वर्क प्रोजेक्ट्स, फॉर बिग वर्क और प्रोजेक्ट्स द परसेंटेज एस्टिमेशन कॉस्ट प्रोवाइड एन एस्टिमेट फॉर परचेज ऑफ टूल एंड प्लांट्स। फॉर बिग वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स परसेंटेज एस्टिमेट कॉस्ट प्रोवाइड एन एस्टिमेट फॉर परचेज ऑफ टूल एंड प्लांट्स। टूल एंड प्लांट्स के लिए कितना खर्चा होता है? परचेज ऑफ टूल एंड प्लांट्स कितने परसेंट लेते हैं? 1 से 1.5% ले लेते हैं। टूल्स वगैरह के लिए 1 से 1.5% लग जाती है एस्टिमेटेड कॉस्ट की, 1 to 1.5%। अच्छा जी, आ गया क्वेश्चन हमारा हाईवे से। अगला क्वेश्चन है हाईवे से। अगला क्वेश्चन है, ठीक है जी, 1 to 1.5% सही दिया आपने आंसर। हाईवे से बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पेपर्स में पूछा जा रहा है। अ लेटरल शिफ्ट इन द ट्रांजिशन कर्व इज कॉल्ड, क्या कहता है? शिफ्ट को क्या बोलते हैं? बड़े पेपर्स में पूछा जाता है शिफ्ट का फॉर्मूला। सबसे आंसर एक्सपेक्ट करूंगा इसका मैं, इजी क्वेश्चन है बहुत। गुड विशाल, गुड शिखा, गुड गुरबेज, आशीष, वेरी गुड। बाकी बाकी क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या हो रहा है? एल स्क्वेयर अपॉन 24 आर। बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा था शिफ्ट के ऊपर। हाँ जी, आज एक फॉर्मूला याद कराया था उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ गया नीचे। आज ही की क्लास में एक फॉर्मूला बताया था हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का, और इसी से क्वेश्चन आ गया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। गुड अनिल जी, गुड हनी जी। तो देखिए सॉल्व करके कितना आ रहा है। हाँ जी, कितना आएगा इसका आंसर? न्यूमेरिकल है, सिंपल। हाँ जी, कराया था। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बताइए आंसर कितना आ रहा है। क्या फॉर्मूला बताया था? आज ही बताया था इसका, 864 b/d। अगर हेक्टेयर प्लस क्यूबिक मीटर में यूज करना है तो डेल्टा किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। अगर 8.64 b/d करते हो तो किस में आता है? मीटर में। तो 864 × b कितना है? 100 / 1400, 61.71 सेंटीमीटर। बी इज द आंसर। क्या आंसर होगा? बी होगा, न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन फॉर बर्नौलीज इक्वेशन? बर्नौलीज इक्वेशन में क्या अजम्पशन ली जाती है बताइए? बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन में क्या लिया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन इन बर्नौलीज इक्वेशन?
Fluid is idle, plastic, incompressible, rotationally unsteady. Bernoulli's equation v square upon 2g formula होता है ना पूरा plus z plus p by w जितना भी वो होता है उसकी value ठीक है जी बिल्कुल flow is incompressible मानते हैं और क्या मानते हैं वैसे steady flow मानते थे उसमें incompressible and steady good जी good incompressible and steady next aerobic attached growth process is classified under attached या suspended यही क्वेश्चन आते हैं तो बताइए attached growth किस में होगी बताइए हाँ जी आइडियल स्टडी और नॉन विस्कस होता है ठीक है जी विपिन जी सही बता रहे हो इनकंप्रेसिबल स्टडी और नॉन विस्कस होता है विस्कोसिटी नहीं होती ठीक है जी एरोबिक अटैच ग्रोथ प्रोसेस इज क्लासिफाइड अंडर जो चीज एक्टिव होगी वो वैसे सस्पेंड करके रखेगी पकड़ी नहीं जाएगी एक्टिव क्लच प्रोसेस एरोबिक होता था याद कराया था लास्ट क्लचेस में था विशाल जी ये चीज बताई थी हमने ए बी सी डी हाँ जी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस किस चीज के काम आता है बताइए सारी क्लास का आंसर चाहिए इसमें एक्टिवेटेड क्लच प्रोसेस के केस में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जी सस्पेंडेड होता है गलत हो जाएगा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है सस्पेंडेड सस्पेंडेड मैकेनिज्म होता है और ये एरोबिक कंडीशन में होता है वो तो आपने ठीक ही बताया था बट इसका आंसर क्या आएगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होगा बायोलॉजिकल अटैच और सस्पेंडेड दोनों ही होते हैं उसमें तो बायोलॉजिकल इज द आंसर द स्लोप ऑफ बेंडिंग वेन डायग्राम गिव्स वेरी गुड बड़ा फ्रीक्वेंट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या बताती है मुझे स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल गिव टेंसाइल शियर कंप्रेसिव या कपल क्या बताती है एबीसीडी में से मुझे आंसर चाहिए इसमें 50 क्वेश्चंस ही करने हैं आज हमने 50 नेक्स्ट उसमें करेंगे बट जल्दी करिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है हमारा पेपर में क्वेश्चन इजी है हाँ जी स्लोप ऑफ अ बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल इजी है जी स्लोप क्या बताता है जी शियर फोर्स स्लोप अगर ले लेते हैं तो क्या बताती है शियर फोर्स बताती है फिर डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आज के उसमें एक फॉर्मूला बताया था किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिपीट हो रहा है बॉन्ड स्ट्रेस का टेक्नोलॉजी बताई थी टेंशन के लिए 1.2 होती है कंप्रेशन के लिए 25% इंक्रीज करते हैं एचवाईएसडी के लिए 60% तो डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और एक फॉर्मूला भी लिखा था आज की क्लास में लिखा हुआ है तो देखिए एक ही टॉपिक से फ्रीक्वेंटली दो दो क्वेश्चंस आ जाते हैं एक ही जगह से उठ के तो बताइए डेवलपमेंट लेंथ बॉन्ड स्ट्रेस तो ठीक है जी वेरी गुड बॉन्ड स्ट्रेस एलडी का फॉर्मूला आज पढ़ा था ना डेवलपमेंट लेंथ का 0.87 F1 upon sigma upon 4 tau BD बॉन्ड टाउ बी डी के क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आज ही पढ़ा था टेंशन के लिए 1.2 दे रखी थी M20 के लिए कंप्रेशन के लिए 25% यहीं पे स्टार्ट कर रहा था और HYSD के लिए 60% इंक्रीज करते थे याद आ गया आज ही की क्लास का कॉन्सेप्ट है वाटर अब्जॉर्प्शन फॉर ए टाइप ऑफ रूफ टाइल इज बताइए वाटर अब्जॉर्प्शन फॉर ए टाइप रूफ टाइल कितने परसेंट ऑब्जर्व करेगी वाटर अब्जॉर्प्शन बताइए ए टाइप के लिए कितनी होती है
वाटर अब्जॉर्प्शन फॉर ए टाइप, ठीक है जी, नहीं पता तो 20-24% याद कर लीजिएगा डायरेक्टली, ए टाइप के लिए 20-24% होती है। नेक्स्ट, विच वन आर डैम क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन पे किस पे बेस्ड होता है? टाइल्स के लिए डी था 20-24%। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन? हाँ जी संजू जी, थोड़े थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट लगने लगे, होते बेसिक क्वेश्चन है बट घुमा देते हैं पेपर में आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इंडिया में मोस्टली डैम्स किसके अंदर डिजाइन करे जाते हैं? ग्रेविटी डैम्स जी, ग्रेविटी डैम सारे स्ट्रक्चरल होते हैं, ठीक है। ग्रेविटी डैम्स आ जाए, आर्च डैम आ जाए, बीम डैम आ जाए, ये सारे स्ट्रक्चरल डिजाइन पे होते हैं। हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता, अगर सॉइल से उठ के क्वेश्चन आने हैं तो इस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे। आज कैसा ग्रांडे के बारे में पढ़ रहे थे, एटाबग्स लिमिट भी पढ़ रहे, वो सारे यहीं से हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय फ्लो इंडेक्स क्या बोला जाता है? WL-WP बाय फ्लो इंडेक्स। हाँ जी बिल्कुल जी, भाखड़ा डैम एग्जाम्पल सही बता रहे हैं मनोहर जी। द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय फ्लो इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स क्या होता है जी? टफनेस इंडेक्स होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला, पूछ लेते हैं कई बार पेपर में। WN क्या होता है? नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। WL लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड इंडेक्स का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, क्या होता है लिक्विड इंडेक्स का फॉर्मूला? टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूला, इंटू 100। एलपी से याद कराया था, एलपी जरूर बनना चाहिए, लुइस फिलिपे, हिंट याद कराई थी ना, एलपी जरूर बनना चाहिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स में। इन दोनों के सम के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू वन। दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू वन। किसमें कह रहे हैं बिपिन जी लिक्विड नहीं आएगा? नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, एल माइनस पी, किसमें लिक्विड लिमिट नहीं आएगा? हाँ जी बताइए कहाँ पे डाउट है। फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन डैश सीमेंट इज यूज, लिक्विडिटी में जी, लिक्विडिटी का फॉर्मूला एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी बाय डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है लिक्विडिटी इंडेक्स का। अच्छा, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका बता देता है जी, लिक्विडिटी इंडेक्स है आई एल, तो एल ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, इस करके देखो एलपी तो हमें बनाना ही है पेपर में, एलपी तो मुझे बनाना ही है, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी तो मैंने एलपी बना दिया, बट यहाँ पे ऑलरेडी एल आ गया इसलिए एलपी बनाने के लिए पी तो यहाँ पे आ गया, एल ऑलरेडी यूज कर चुके हो तो यहाँ पे एन आएगा। याद करने का तरीका, ऑलरेडी एल आ चुका है तो एल यहाँ यूज नहीं करेंगे। हाँ जी, क्विक सेटिंग फटाफट सेट कर देंगे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में, क्विक सेटिंग इज द आंसर, सही बता रहे हैं जी। अ फॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू, बताइए फॉल क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं हम इसमें? क्रिएट सरप्लस एनर्जी, मेंटेन सरप्लस एनर्जी, ओवरकम सरप्लस एनर्जी, डिस्ट्रॉय द सरप्लस एनर्जी, बताइए फॉल क्यों करा जाता है? एकदम फ्लो में आ रही है चीज और उसको फॉल कर दें,
देखिए, अगर ऑलरेडी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे हनी जी इस क्वेश्चन में, या मनीष जी इंक्रीज करोगे, तो पहले और एक टाइम आएगा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी एनर्जी, मतलब बहुत तेज से आ जाएगा, जो आपको बेड स्लोप चाहिए उससे ऑलरेडी तेज स्लोप पे आ रहा होगा। जनरली फॉल इसलिए कंसेप्ट करा जाता है ताकि हम डिस्ट्रॉय कर दें, डिस्ट्रॉय द सरप्लस एनर्जी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सही देता है। इजी क्वेश्चन है, कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रीमेल्टिंग डैश विद कोक एंड लाइमस्टोन। कोक और लाइमस्टोन के साथ रीमेल्टिंग के साथ क्या करा जाता है, कौन सा चीज यूज करते हैं कास्ट आयरन मैन्युफैक्चर करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है जी, इसका आंसर सबको सही चाहिए। ठीक है जी, डिस्ट्रॉय सरप्लस एनर्जी वाला सही है बिल्कुल कॉन्सेप्ट। कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रीमेल्टिंग विद कोक एंड लाइमस्टोन। बताइए हाँ जी, विशाल जी आपका आंसर आ गया, विपिन जी आ गया आपका आंसर। पिग आयरन और रॉट आयरन में कंफ्यूजन है, कास्ट आयरन से कास्ट आयरन नहीं द्वारा करेंगे ये, तो बिल्कुल काट दीजिए ऑप्शन, आयरन भी काट दीजिए, पिग आयरन और रॉट आयरन में आंसर है। आशीष जी और विपिन जी ने एक ही टाइम पे डिलीट करे अपने आंसर, क्या पता आपके आंसर सही होते। जी हनी जी, कास्ट आयरन का कास्ट आयरन आंसर नहीं होगा, ये तो मैंने आपको पूछा ही है, तो बताइए। ठीक हाँ जी बताइए। आशीष जी और विपिन जी आपका आंसर सही था, पिग आयरन था इसका आंसर। आरती जी वेरी गुड, पिग आयरन से करा जाता है, कास्ट आयरन मैन्युफैक्चर्ड बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन विद कोक एंड लाइमस्टोन। आपने एक ही टाइम पर डिलीट कर दिए थे अपने आंसर, आपके आंसर सही थे। ठीक है, जिस फर्नेस को इसको यूज करा जाता है ना करने के लिए, उसको क्यूपोला फर्नेस बोलते हैं। जिस फर्नेस में इसको मेल्ट करा दे उसको क्यूपोला फर्नेस बोलते हैं। ठीक है जी, आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। हमने नेक्स्ट सेशन जो हम इसके लाइव कर रहे हैं वो मंडे कर रहे हैं, फिर मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल यही रहेगा, 6:30 PM पे हम लाइव करेंगे क्लास को, और यहाँ से आप वो करोगे। जितने क्वेश्चन आज गलत हुए थे उसको याद कर लीजिएगा, और 2 दिन अपना वीकेंड एज मत सोचिए कि छुट्टियां एंजॉय करनी है, पढ़िए, उसमें भी पेपर्स आने वाले हैं आप लोगों के, किसी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ लीजिए। बाकी हमारी एंड से क्लास ओवर है, 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 नेक्स्ट वाले पार्ट पे करेंगे हम इसके। ओके जी, ओके विपिन जी, माय प्लेजर। जो आंसर्स गलत हो रहे हैं उसको सही करिए, यही एडवाइस है हमारे एंड से। तो ओके ओके ऑल राइट, ठीक है हनी जी, पिछले वाले का था। अनिल जी, SSC JEE का रिजल्ट कब तक आएगा? SSC JEE का रिजल्ट जी, आपके पास रिटर्न की मार्कशीट तो आ चुकी है, आप मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं नहीं क्लियर कर रहे हैं। सीट्स का भी है हमारे पास पूरा आइडिया और सारी चीजें, अगर आप मुझे बता दीजिए रिटर्न के अकॉर्डिंगली कितने बन रहे हैं, हम थोड़ा बहुत आपको बता देंगे, आप मेंस के लिए करिए ना करिए। विपिन जी गुड नाइट, आशीष जी माय प्लेजर, मनीष जी ठीक है ऑल द बेस्ट, गुरप्रीत जी ऑल द बेस्ट। तो आप अगर थोड़ा बताएंगे तो मैं आपको वहां से आइडिया लेके बता दूंगा कि आप मेंस के लिए जाइए नहीं जाइए अभी, क्योंकि अगर आप रिजल्ट की वेट करते रहे, मेंस मेरा दिसंबर में है, 29 दिसंबर इज एक्सपेक्टेड डेट, मेंस का हम ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस कवर अप कर चुके हैं। थैंक यू आरती जी, 70-80% हम कवर अप कर चुके हैं मेंस का सिलेबस, और ऑनलाइन क्लासेस भी हैं हमारे पास उसकी। ओके 108, एंड कैटेगरी कैटेगरी कौन सी है आपकी, अब कैटेगरी पे क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती है कट ऑफ। सीट ज्यादा है इस बार, कट ऑफ नीचे जा सकती है।
ओके हनी जी, ओके ठीक है जी। आप मेंस की तैयारी करिए अनिल जी, हो जाएगा आपका कट ऑफ में। और मेरे को बस एक डे और चाहिए था उसके लिए कि आपका कौन से डे वाली शिफ्ट में पेपर था। अगर शिफ्ट पता लग जाती है तो हम हमारे पास शिफ्टिंग की भी एनालिसिस होती है, वहां से आपको बता देते हैं थोड़ा सा। कौन सी डे शिफ्ट मतलब, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर हमें आता है ना, किसी का 28 को था, किसी का 27 को था। विक्रम जी, टेस्ट सीरीज पे डिस्काउंट करने को कह रहे हैं आप। आप जीत ही सकते हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज, क्या पता आपको कुछ पे ना करना पड़े। आप एक काम करिए, कोई बात नहीं, अगर आप रोज क्लास लगा रहे हैं, अगर आप मंडे की क्लास लगाएंगे ठीक है विक्रम जी, तो आपको टेस्ट सीरीज में डिस्काउंट देंगे हम यहाँ से। बट हमें रेगुलरिटी चाहिए, कई बार डिस्काउंट हम ले लेते हैं और टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं करते अच्छे से। तो विक्रम सिंह जी, अगर आप मंडे की क्लास में होंगे, सिर्फ आपने मंडे की क्लास अटेंड करनी है, आपको टेस्ट सीरीज में डिस्काउंट दे देंगे। 23rd को इवनिंग वाला पेपर था, 3 to 5 वाला। ओके फिर हो सकता है नील जी आप रखिए तैयारी। बट जो प्री के लिए नंबर आपके कम है, तो मेन्स में आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आप बिल्कुल पॉइंट के कट ऑफ पे क्लियर करेंगे, तो मेंस के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और मेंस के लिए अच्छा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ताकि प्री से, कि मेंस में भी ज्यादा मार्क्स देती नहीं है एसएससी की। मेरी एक वीडियो है, उसमें मैंने एसएससी का पेपर ही दिखाया हुआ है कि कैसे वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कैसे चेक कर रहे हैं। मैंने लाइव पेपर ही डाला हुआ है उनका, ये एसएससी की मार्किंग है, बच्चे ने ये लिखा और उन्होंने ये चीज दी। विक्रम जी ओके जी ओके। बट अगर आप क्लास में आओगे मंडे की, ये कंडीशन याद रखिएगा, अदरवाइज आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज ओपन है। तो अनिल जी करिए तैयारी, बट आगे मेन से, बट अच्छा डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं अनिल जी। वाटर रिसोर्स या बीएसएफ या कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिलेगा, तो फिर अगले साल फिर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी थोड़ी। प्री के लिए भी थोड़ा तेज कर लीजिए, क्योंकि मार्च में प्री भी आ रहा है। ऑनलाइन हम एक बैच भी लेकर आ रहे हैं एडिस्पेयर का ही, एसएससी जेई के लिए लेकर आ रहे हैं। मैं आपको लिंक लिख देता हूँ, अगर इवन अगर आपको जरूरत पड़े तो आप वहां पे एक्सेस कर सकते हैं क्लासेस। सिक्स थर्टी जी, 6:30 टाइम होएगा, बिल्कुल सेम क्लास टाइम पे लाइव करेंगे, डेली 6:30 पे ही कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू।